अनेक प्रकार के कारीगर काढ़े के बारे में तो आपने बेहद सुना होगा, लेकिन आज हम जिस काढ़े की बात करेंगे वह न केवल अन्य काढ़े से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अमृत एवं रोगियों के लिए वरदान भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसानी के साथ मिलने वाले सहजन और सहजन के पत्तियों की, जिसे अमृत कहें तो कोई गलत नहीं होगा। इसका आयुर्वेद ने भी भरपूर वर्णन किया है। एक नहीं बल्कि अनेक बीमारियों को यह काढ़ा शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। आइए जानते हैं इसके महत्व, उपयोग, कमाल और साइड इफेक्ट को लेकर आयुर्वेद एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह हूँ, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नगर बलिया में चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ जी, सहजन का तो लोग नॉर्मली बहुत प्रयोग करते हैं, पर उनको उसके गुणों का इतना ज्यादा पता नहीं होता है। और आयुर्वेद में तो 300 से ज्यादा डिजीजेस में इसका वर्णन आया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसको शिग्रु कहा है। शिग्रु का मतलब क्या होता है कि जो पेनेट्रेट्स लाइक एन एरो, तीर की तरह जो धातुओं के अंदर तीक्ष्णता से जाता है, इससे शोधन आसानी से होता है। इसके लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया। स्वेदोपग मतलब कि जो स्वेदन पसीने के थ्रू जो गंदगी निकालने की प्रक्रिया होती है उसमें इसका प्रयोग बताया गया। कृमिघ्न जो कि पेट के कीड़े होते हैं उसमें भी इसका वर्णन आया है। किसी ने इसका वर्णन वर्णादि कषाय, जहाँ पर आपको कोई ग्रंथि टाइप की आती है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। और वैसे तो स्वेदन के इसके शिग्रु के बहुत अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में होता है। जैसे कि अभी आप डायबिटीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियां जो है वो ज्यादा गुणकारी हैं। अगर इसकी पत्ती का काढ़ा उबाल के पिया जाए तो इंसुलिन जो अच्छे से काम नहीं कर पाता वो उसको प्रमोट करता है काम करने से, शुगर लेवल काफी कम होता है। इसकी पत्तियों का ही काढ़ा जो होता है उबाल के अगर पिया जाए तो ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा, कमर का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसकी पत्तियों को पीस कर सरसों के तेल में गर्म करके या तिल के तेल में गर्म करके लेप किया जाए तो जोड़ों का दर्द बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी को स्किन डिजीज है तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है, चर्बी है, तो ये मैदा को कम करने वाला कहा गया है आयुर्वेद में। इसको पेट के कीड़े में भी प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को भी कम करता है ये। आजकल तो उसका कैंसर में भी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर कि कैंसर में कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। और भी बहुत सारी चीजें, हड्डी के रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच होता है तो हड्डी के रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो सहजन का पेड़ होता है, जो उसकी पत्तियां और उसकी फलियां होती हैं, वो किडनी फंक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अगर किसी का क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो लॉन्ग टर्म पे यूज करने पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मात्रावत, अधिक किसी की चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है कि शुक्र, जिसको शुक्र की कमी रहती है, जिसको कम शुक्र बन रहा है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका साइड इफेक्ट भी है? हाँ, जिसका साइड इफेक्ट भी है, जैसे बहुत पित्त प्रकृति वाले हैं, इनको बहुत गर्मी लगती है, जिसको स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स निकलते हो, या जिसको ब्लीडिंग पाइल्स हो, या फिर जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी हो, प्रेग्नेंट हो, वो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।